नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है। तो लॉकडाउन में आज हमारा मुद्दा है कि लॉकडाउन के मामले में नागपुर के जनप्रतिनिधियों को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया, इस पर देखते हैं हमारी खास पेशकश। मी पालकमंत्री जी आहेत नितीन राऊत साहेब यांच्याशी चर्चा करतो। मी आता मुंबईला होतो त्यामुळे मला माहित नाही काय झालं इथे, पण नितीन राऊत साहेबांशी चर्चा करतो। एनटीपीसीला काही अलर्ट आला? ये सरकार का एक ही धोरण है, मुख्यमंत्री और अंदर से सारे मंत्री लॉकडाउन से बस खुश हो जाते हैं। लॉकडाउन से ज्यादा एक एक इशू को लेकर, मार्केट कैसा होना चाहिए, दुकानें कैसे चालू होनी चाहिए, इसका एसओपी बनाते कि भाई 12 बजे तक आधे दुकान चालू रहेंगे या 1/3 दुकान चालू रहेंगे। उसके बाद क्योंकि ये 12 बलूतेदार है, ये हाथ पे आते हैं, हाथ पे खाते हैं, सब्जी भाजी उगाने वाले किसानों कहाँ जाएंगे, अभी कहाँ कौन से मार्केट में जाएंगे, 12 बलूतेदार कहाँ पे जाएंगे। पहले ही पिछले साल पूरा खराब हो चुका है, बड़े मुश्किल से अभी अभी थोड़ा घर में आना चालू हो गया है। ऐसे में लॉकडाउन करना और किसी को नहीं पूछना, ये तो मुगल करते थे ऐसा, दिल्ली के बादशाह ऑर्डर देते थे, नागपुर में लागू हो जाता था। ऐसा ये काम चल रहा है, किसी को विश्वास में लेना नहीं, किसी विधायक को नहीं पूछना, किसी सांसद को नहीं पूछना, किसी को विश्वास में लेकर बात नहीं करना। तीन तीन मंत्री हैं नागपुर में, तीन मंत्री हैं, कभी एक साथ बैठे। कल गृह मंत्री जी एयरपोर्ट पे बोलते हैं कि मुझे मालूम ही नहीं नागपुर में क्या हो रहा है, मुझे मालूम ही नहीं नागपुर में क्या हो रहा है। अगर ये स्थिति नागपुर की रहेगी तो भगवान बचाए। मी बैठकीमध्ये हा विषय मांडला की मी या शहराचा महापौर आहे आणि शहराचा महापौराला जर बाहेरचा माणूस विचारत असेल भैया लॉकडाऊन लागला का, आणि मी म्हणत असेल की आज शिवरात्री आहे, मी दर्शन करायला आलो आहे एका ठिकाणी, फोन करून सांगतो, आणि मला सांगण्यात येते की हो आज पालकमंत्रींनी बैठक घेऊन लॉकडाऊन लावलेला आहे, तो हा मला स्वतःचा अपमान वाटत नाही, पण या नागपूरची जी जनता जे चुकीने मला प्रथम नागरिक म्हणतात तो त्याचा अपमान म्हणजे या शहराची जनताचा आणि जनप्रतिनिधीचा अपमान आहे असं मला वाटते। कोणताही निर्णय घेण्यात कमीत कमी आपसात चर्चा होणं नितांत आवश्यक आहे, ज्या निर्णयामध्ये या शहराचा निर्णय घेण्यात येते। और इसके बाद हम सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता मुकेश हिडाऊ के साथ। तो मुकेश जी, नागपुर लॉकडाउन में जनप्रतिनिधियों को आखिर क्यों विश्वास में नहीं लिया गया? जी बिल्कुल सही बात है जोया, कि जिस तरह से ये सवाल विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज़ ने उठाया है कि जो जनप्रतिनिधियों की बात है उनको विश्वास में कतई नहीं लिया गया। इस पर अगर बात की जाएगी तो सबसे पहले महापौर ने आपत्ति जताई थी, उसके बाद में चंद्रशेखर बावनकुड़े ने आज आपत्ति जताई है, और दो दिन पहले जब राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी जब नागपुर पहुँचे हुए थे तब उन्होंने भी इस बात में कहीं ना कहीं सवाल निर्माण किया गया था कि उनको इस बारे में पता नहीं था, और वो पालक मंत्री जो नागपुर के पालक मंत्री है डॉक्टर नितिन राउत उनसे सलाह मशवरा करके इस बात पर डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी बात यह आती है कि आखिर इस लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का महत्व क्या है। जनप्रतिनिधि जो लोगों की समस्या सुलझाते हैं, हमेशा लोगों की तकलीफों को दूर करते हैं, उन्हें जनप्रतिनिधि कहा जाता है। जिसमें अगर महापौर की बात की जाए, पालक मंत्री की बात की जाए, या फिर छोटे से छोटा कारपोरेटर की बात की जाए, या फिर विधायक की बात की जाए, तो इन सब की जिम्मेदारी होती है कि जो जनता को जो पीड़ा होने वाली है उससे कहीं ना कहीं निजात। अभी लॉकडाउन की अगर बात की जाएगी तो लॉकडाउन लगाते समय पिछले बार में जो किसी को पता नहीं था पिछले समय कि लॉकडाउन के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, पिछले एक वर्ष में जो दुष्परिणाम हमने देखे, कई सारे प्रयोग किए गए जिसमें कुछ सक्सेस भी हुए, कुछ विफल भी रहे सारी चीज़ों को देखते हुए, उसके बाद में जब इस बार लॉकडाउन लगाने की नौबत आई तो तब जनप्रतिनिधियों का गुस्सा जायज़ था कि उनको विश्वास में नहीं लिया गया। हालांकि चार दिन पहले जब घोषणा होती है 15 मार्च के पहले, चार दिन पहले कि 15 मार्च से 21 मार्च के बीच में लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, उसमें पालक मंत्री, महानगर पालिका के अधिकारी, आयुक्त, जिलाधिकारी, विभागीय आयुक्त, ऐसे अधिकारी होते, लेकिन उसके बाद में जो निर्णय लिया जाता है उस पर कहीं ना कहीं
ध्यान देने की आवश्यकता थी। मतलब हमारा जो कहना है कि जो जनप्रतिनिधि है, जो शहर के जो विधायक हैं, जो महापौर हैं, उनकी एक शायद बैठक होती और उस बैठक में निर्णय लिया जाता, उनको उनका सलाह मशवरा लिया जाता है, तो ये बात नहीं आती कि जनप्रतिनिधियों को विश्वास में नहीं लिया गया। लेकिन महापौर को पूछा नहीं गया, साथ में कुछ विधायकों को पूछा नहीं गया जिन्होंने आपत्ति जताई है। और अगर गृह मंत्री की अगर बात की जाए जोया जी, तो गृह मंत्री ने भी कहीं ना कहीं सवाल निर्माण कर दिया है। तो इसी से एक सवाल निर्माण होता है, क्या लॉकडाउन जैसे जो अहम मुद्दा है, अहम विषय है, जिससे जनजीवन प्रभावित होगा, व्यापार प्रभावित होगा, आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी, लोगों के रोजगार प्रभावित होंगे, उस पर आखिर जनप्रतिनिधियों को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया, एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आता है। क्या इस लॉकडाउन को एक तरफा निर्णय कहा जा सकता है मुकेश जी, जिसके विपरीत परिणाम भी पड़ सकते हैं? जी सही में इस नागपुर के लॉकडाउन को अगर देखा जाएगा तो जो डॉक्टर नितिन राउत है, जो पालक मंत्री है, और जो अधिकारियों से जो चर्चा हुई, जिसमें कलेक्टर और बाकी के जो मनपा आयुक्त और विभागीय आयुक्त तो शामिल थे, इसको कहीं ना कहीं देखा जाता है, हम सीधे तौर पर नहीं बोलते, तो एक तरफा ही निर्णय हम कहेंगे कि आखिर जनप्रतिनिधियों की कमी क्यों इनको महसूस नहीं हुई, क्या पूछा नहीं जा सकता था, क्या जनप्रतिनिधियों से सुझाव अच्छे से अच्छे नहीं आ सकते थे, जिसमें हमने कल भी एक मुद्दा उठाया था कि लॉकडाउन के अलावा भी कोई ना कोई विकल्प ज़रूर निकलते थे इसमें, जिसमें ईस्ट और वेस्ट जो लगाया गया था, ऑड इवन की जो प्रणाली लगाई गई थी, या फिर ऐसा कोई कर्फ्यू लगा दिया जाता जो शाम को 5 बजे तक शुरू अगर मार्केट रहता और उसके बाद में रात को 6 बजे के बाद से लेकर सुबह 6 बजे तक बंद रहता, क्योंकि अभी वैसे भी समर के दिन शुरू है, इस धूप में वैसे भी दिन में लोग गर्दी करते नहीं, कुछ ज़रूरी कामों से ही लोग बाजार में जाते हैं, लेकिन शाम आते आते देखा गया है कि बर्डी मार्केट हो गया, इतवारी मार्केट हो गया, गोकुलपेट मार्केट हो गया, धर्मपेट मार्केट हो गया, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्दी होती थी, तो उस गर्दी को कहीं ना कहीं टालने के लिए, कहीं ना कहीं रोकने के लिए एक पर्याय हो सकता तो वो जनप्रतिनिधि दे सकते थे। और इसी के अनुरूप अगर महापौर का हम इसमें बाइट देखते हैं या फिर प्रतिक्रिया देखते हैं, तो महापौर ने साफ शब्दों में कहा है कि वो शहर के महापौर है, मैंने मतलब उन्होंने खेद जताया कि शहर के महापौर गलती से चुने गए, उनको भी विश्वास में नहीं ले गया, एक दुर्भाग्यपूर्ण बात कहेंगे। वही अगर चंद्रशेखर बावनकुड़े की अगर बात की जाएगी, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रह चुके हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये तुगलक ही निर्णय है, एक तरफा लिया हुआ निर्णय है, सरकार जो चाहे वो मनमानी करती है, इसके विकल्प भी हो सकते हैं। और गृह मंत्री ने भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा सवाल खड़ा कर ही दिया था कि उनको ये सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं, उस पर भी कई सारी टिप्पणियां हो रही है, सोशल मीडिया पर कई सारी बहस चल रही है, तो मुझे लगता है कि ये एक तरफा निर्णय जो जिला प्रशासन ने उन्होंने लिया है। जी मुकेश जी, जैसे कि आपने कहा, तो अगर जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लिया गया होता तो क्या परिणाम आ सकते थे? सही बात है जो है कि आपने जो सवाल जो किया है, जनप्रतिनिधियों को अगर विश्वास में लिया गया होता तो कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन लगाने की शायद नौबत नहीं आती। वैसे देखा गया है कि नागपुर के लोगों की गलतियों के वजह से, नागपुर में कुछ लोगों की गलतियों के वजह से ये सारी चीज़ें हुई है, जिसमें भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा पैमाने पर हो रही है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। वही अगर पिछले दो से तीन दिनों की अगर बात की जाएगी, तो 2000 के ऊपर कल ही अगर बात की जाएगी, जो सोमवार था और 15 मार्च का जो लॉकडाउन का पहला दिन था, वहाँ पर करीब 2300 के आसपास जो पेशेंट जो थे वो पॉजिटिव निकले हैं। हालांकि इसका जो दर है 50% रोज ठीक हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं पेशेंट, मृत्यु दर कम है, लेकिन अगर जनप्रतिनिधियों को अगर विश्वास में लिया जा सकता जाता था तो कहीं ना कहीं इसके लॉकडाउन लगाने की शायद नौबत नहीं आती थी, क्योंकि सुझाव बहुत आ सकते, क्योंकि वर्षों से वो चाहे किसी भी पक्ष में काम करने वाला नेता हो, नगर सेवक हो या फिर विधायक हो, वो शहर का भलाई चाहता है, और ऐसे लॉकडाउन के मामले में कहीं ना कहीं देखा है राजनीति थोड़ी बहुत हावी होती है, लेकिन विश्वास में न लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। पर लॉकडाउन पर क्या नागपुर में राजनीति देखी जा रही है मुकेश जी? जी बिल्कुल, कुछ पैमाने पर अगर देखा गया है तो नागपुर में राजनीति बिल्कुल लॉकडाउन पे हो रही है, क्योंकि सवाल ही ऐसा हो गया है कि कहीं कहीं उसका जवाब शायद जिला प्रशासन के पास में नहीं है। महानगर पालिका की अगर बात की जाएगी तो महानगर पालिका में महापौर खुद आते हैं, महापौर ने कुछ सवाल महानगर पालिका के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर उठा दिए थे,
थोड़ी बहुत राजनीति हो रही है इन सारी चीज़ों को देखते हुए, लेकिन उस राजनीति को दरकिनार करते हुए अगर हम चाहते हैं कि जो जिला प्रशासन है और जो यहाँ के पालक मंत्री हैं मिलजुल कर अगर इस बात को अगर गंभीरता से ले और गंभीरता से सोचे तो शायद 21 तारीख के बाद में कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद एक्सटेंड कर दिया जाएगा या फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन पालक मंत्री ने गंभीरता से इसे लेते हुए साफ शब्दों में व्यापारियों को कहा है कि इसको बढ़ाया नहीं जाएगा, लेकिन हालात तब के क्या होते हैं ये बताया नहीं जा सकता। ऐसे में अगर हम वीकेबी न्यूज़ भी उनसे अपील करता है कि अभी ना सही, अभी लॉकडाउन लगा है 21 तारीख तक तो हमको राह देखनी है, व्यापार जितना प्रभावित होना है उतना होना है, लेकिन 21 तारीख के बाद ऐसी कोई नौबत आई तो बाकी जो पार्टी के जो जनप्रतिनिधि है, जो नगर सेवक है, महापौर है, उनकी एक तत्काल बैठक बुलाया जाए, जो विधायक है उनकी एक बैठक बुलाया जाए और उनसे डिस्कस करने के बाद में कोई निर्णय लिया जाए, क्योंकि सभी का अपना जनाधार अलग है, सभी को जवाब देने पड़ते हैं, सभी को विश्वास देकर इस नागपुर की जनता ने चुनकर दिया है, तो ऐसे में उनको जवाब देने पड़ते हैं, तो उनको अगर विश्वास में लिया जा सकता है तो एक जनप्रतिनिधि करीब 50,000 लोगों को समझा सकता है, उसकी कैपेसिटी हो सकती है। तो हम यही अपील करते हैं कि आगे के लिए जिल्ला प्रशासन जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर ये सारी चीज करे। जो तो आज का लॉकडाउन का दूसरा दिन है, क्या हालात है आज के मुकेश जी? बहुत सही सवाल है जो है आपका। ये दूसरा दिन है, आज 16 मार्च का दिन है और करीब 1:30 से 2 बज रहे दोपहर के। सबसे बड़ी बात अगर देखी जाएगी तो कल लॉकडाउन के समय में जितनी पुलिस वैरायटी चौक पर देखी जा रही थी उतनी पुलिस तो नहीं है आज, लेकिन लोग बड़े पैमाने पर निकले हुए हैं, लोग टू व्हीलर लेकर निकले हुए हैं, लोग बसेस में सफ़र कर रहे हैं और कहीं पर भी नहीं लग रहा है कि आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है और शहर में लॉकडाउन है। वही बर्डी के मार्केट में, बर्डी का मार्केट तो पूरी तरह से, आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं, पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है, मार्केट तो बंद है, व्यापारियों ने बंद रखा है, लेकिन लोगों का घूमना कम नहीं है। हालांकि इस एरिया में चहल पहल काफ़ी होती है, उस हिसाब से तो उतना नहीं है, लेकिन लॉकडाउन का अर्थ यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर लॉकडाउन है क्या। लोग कारों में घूम रहे हैं, जिस तरह से ट्रैफिक दिख रहा है वो दिख रहा, जिस तरह से ऑटो में लोग जा रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए कहीं पे ये नहीं बोल सकते कि नागपुर में इस जगह तो भी लॉकडाउन का असर दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो लॉकडाउन के खबरों के सफर में आज इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए बीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।